गांव-गांव जाकर लोगों को चुनाव का मतलब समझाया, महिलाओं की प्रेरणा स्रोत बनी। नाम है सृष्टि जयंत देशमुख। एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में जन्मी सृष्टि जयंत ने साल 2018 में पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा में पूरे देश में पांचवी रैंक हासिल की, जबकि महिला वर्ग में वो अव्वल आईं और 23 साल की उम्र में आईएएस बन गई। सृष्टि का जन्म 28 मार्च 1996 को मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ। उनके पिताजी जयंत देशमुख इंजीनियर हैं और माँ प्राइमरी स्कूल की टीचर। सृष्टि को बचपन से ही अपने घर में पढ़ाई का माहौल मिला था, जिसका असर ये था कि वो खुद भी बचपन से ही बहुत मेधावी छात्रा रही। वो बचपन से ही प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती थी। सृष्टि ने अपनी स्कूल की पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल भोपाल से की और फिर भोपाल से ही राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक भी किया। हालांकि उनका सपना तो बचपन से ही एक आईएएस अफसर बनने का था, लेकिन उनका सोचना था कि अगर भविष्य में वो आईएएस ना बन पाई तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो काम आ ही जाएगी। इसीलिए इंजीनियरिंग की और फिर पूरी मेहनत से सृष्टि ने अपनी यूपीएससी की पढ़ाई भी की। 8 से 9 घंटे रोज पढ़ने वाली सृष्टि ने सब्जेक्ट चुना सोशियोलॉजी। सृष्टि ने आईएएस की कोचिंग ली डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति से, जो खुद एक आईएएस अफसर रह चुके हैं। और अपनी मेहनत लगन से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सृष्टि ने अपना लक्ष्य हासिल कर बचपन का सपना पूरा कर लिया। वो आईएएस बन गई। 2018 बैच की आईएएस अफसर सृष्टि जयंत देशमुख को पहली पोस्टिंग चाहत के मुताबिक अपने गृह राज्य यानी कि मध्य प्रदेश के डिंडौरी में असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में मिली। ये उनके लिए खुशी और गर्व की बात थी। वर्तमान में साक्षी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में उपखंड अधिकारी के पद पर तैनात हैं। वो हमेशा लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनती हैं, देखती हैं, समझती हैं और उनका समाधान करती हैं। अक्सर आपको लोगों के बीच पहुंचकर जन समस्याएं सुनना, निदान करना, जनता को उनका ये व्यवहार आकर्षित करता है। इसी वजह से साल 2019 में भोपाल के निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें गांव के लोगों को चुनाव के बारे में समझाने के लिए बुलाया। वो उस काम के लिए राजी भी हो गईं और गांव-गांव घर-घर जाकर सभी को चुनाव के मायने समझाए, लोगों से बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। ग्रामीण महिलाओं को उनका काम बहुत पसंद आया। सभी महिलाओं के लिए सृष्टि एक प्रेरक बनी। सृष्टि के पति भी आईएएस अफसर हैं। यूपीएससी की तैयारी के दौरान ही उनकी मुलाकात डॉक्टर नागार्जुन गोडवा से हुई थी। दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और घरवालों की रजामंदी के बाद सृष्टि और नागार्जुन ने 23 अप्रैल 2022 को शादी कर ली। सृष्टि अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करने वालों को टिप्स देती रहती हैं कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान खुद को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रखें, योग और मेडिटेशन भी जरूर करें ताकि मन शांत रहे और सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत हो। सृष्टि एक खास हिदायत देती हैं नेगेटिव लोगों से दूर रहने की। जो डीमोटिवेट कर लक्ष्य से ध्यान भटकाएं उनसे दूर रहिए। और सबसे बड़ी बात जो सृष्टि कहती हैं कि मेहनत के साथ साथ खुद पर भरोसा जरूरी है, इसीलिए आत्मविश्वास को कभी न गिरने दें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।